हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती, अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई नई भर्ती आ गई क्या, तो जी हां, ये नई भर्ती है और ये सभी लोगों के लिए है भी नहीं। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा। पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन देखो अवेयरनेस होना बहुत, आप अवेयर रहोगे तभी आप चीज़ों को ठीक से देख पाओगे। देखिए, अगर झारखंड के सीटेट के विद्यार्थी अगर अवेयर नहीं होते तो आज जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो फॉर्म भी नहीं भर पाते। आप अवेयर रहोगे, आपको नॉलेज होनी चाहिए पारा टीचर के रिक्रूटमेंट में किस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। गलत तरीके से अगर किसी को एंट्री दी जा रही है किसी भी भर्ती में, तो नुकसान आपका होने वाला है। जो टीचर बनना चाहते हैं झारखंड में, उनका नुकसान होने वाला है। तो देखिए, जेटेट एग्ज़ाम जो है 2012 में कंडक्ट हुआ एक बार, और आपको पता होगा जेटेट फिर 2016 में कंडक्ट कराया गया था। तो देखिए, 2012 वाले विद्यार्थियों का काउंसलिंग के माध्यम से जो है टीचर रिक्रूटमेंट में इनकी बहाली की जाती थी। तो फिलहाल उसी को लेकर जो है खबर है, यहां से आप देख पाओगे ये खबर क्या है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन 22 जून से, यहां पे बताया गया है। आगे देखिए, विज्ञापन जो है 20 जून को प्रकाशित होगा, लेकिन आवेदन जो है आप 22 जून से 27 जून के जुलाई तक जो है कर सकते हैं। काफ़ी समय आपके लिए जो है दिया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी, यानी कि अगर आपने गलत वगैरह कुछ भर दिया है, तो इसके लिए भी जो है 23 जुलाई से 31 जुलाई तक का वक्त लिया जाएगा, और आपके आवेदन पत्र को जो है क्या किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी। 1 अगस्त को काउंसलिंग और 7 अगस्त को अंतिम चयन का जो है प्रकाशन किया जाएगा, यानी कि 7 अगस्त को जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक बार फिर से देख लो आप, और ये वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है जो पारा टीचर हैं, खास करके उनके लिए जो पुराने पारा टीचर हैं। 22 जून से 27 जून तक जो है आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा, और स्क्रूटिंग जो है इसकी की जाएगी 23 जुलाई से 31 जुलाई की, और 7 जुलाई को आपका जो है अंतिम रूप से चयन जो प्रकाशन है, सूची है, वो प्रकाशित कर दी जाएगी। अब आगे देखिए कुछ और न्यूज़ यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रसाद सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के आधार पर 3 जून 2019 तक अंतिम काउंसलिंग के अंतर्गत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद जो पद खाली रह गए थे उन्हीं पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। तो ये देखिए बात कहाँ से आ रही है, ये उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से जो है ये चीज़ों को जो है शामिल किया गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लीजिए, विज्ञापन के पूर्व में काउंसलिंग के आधार पर कोटिवार, भाषावार, पारा और जो गैर पारा है उनको सबसे न्यूनतम प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में उक्त देखो प्राप्तांक से जो न्यूनतम प्राप्त करने वाले, देखो सीधी सीधी बात यह है कि अगर कोई अधिक अंक लाता है और कोई कम अंक लाता है तो इसका सिलेक्शन किसी हाल में नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नियुक्ति में कहा, जो नियमावली है उसमें ये कहा गया है। तो ये खबर थी आप लोगों के लिए, पारा टीचर वाले के लिए ये खबर थी। आगे जो है कोई और भी अपडेट आती है, देखो ये जो पेज है, ये इमेज है, ये आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे लगभग 10,500 या 600 लोग हो चुके हैं, आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको ऐसी ही न्यूज़ वाली जो PDF वगैरह है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जो है इसे शेयर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड में जो है इसे पहुंचाएं, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।